डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई, ठीक है, किंगडम फंगस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फंगस किंगडम है, मतलब फंगस जो वर्ड है किससे लिया गया है, लेटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, और जिसका मतलब क्या होता है, मशरूम, ठीक है, मतलब लेटिन वर्ड है फंगाई जिसका मीन्स क्या होता है, मशरूम होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम जो फंगस जो टर्म यूज की थी वो किसने की थी, गैस्पर्ड ने की थी, ठीक है। और पूरे नाम की बात करें तो गैस्पर्ड हुए नहीं, इन्होंने सबसे पहले जो फंजाई जो टर्म थी वो इन्होंने यूज की थी गैस्पर्ड बोएन ने, ठीक है। और इसके अलावा माइकोटा फंगस को जो माइकोटा वर्ड यूज किया गया था, माइकोटा, वो किसने किया था, वॉन आर्क्स ने, ठीक है, वॉन आर्क्स ने, किसने, कब किया था, 1981 के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर फादर स्टडी ऑफ फंगस पढ़ते हैं, मतलब स्टडी जिसके अंदर स्टडी की जाती है फंगस किंगडम की, उसे क्या बोला जाएगा, माइकोलॉजी, ठीक है। और माइकोलॉजी के जो फादर है, फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, मिचेली, कौन है, मिचेली, ठीक है। फिर अगर मान लो पूछा जाए मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर कौन है, तो मॉडर्न की बात आई तब कहना है एंटोन डी बेल, कौन आएंगे, एंटोन डी बेल, ठीक है। ये क्या है, मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, ठीक है। और ये पैथोलॉजी के भी, प्लांट पैथोलॉजी के भी जनक है, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। ये थी मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ फंगस, फंगस के मतलब किसने वर्ड दिया था, क्या मीनिंग है, उसके बाद चलते हैं फंगस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ थैलस, ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, थैलॉइड बोला जाता है, ठीक है। ये फॉर्म करते हैं माइसिलिया, ठीक है, माइसिलिया एक थैलस फॉर्म होता है, प्लांट लाइक आउटग्रोथ होती है, ठीक है, प्लांट बॉडी फॉर्मेशन, मतलब एक आउटग्रोथ फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उसे बोला जाता है माइसिलिया। और जिसके पास अब्सेंट होता है उसे क्या बोला जाएगा, नॉन माइसिलिया। लेकिन जो नॉन माइसिलियल है वो किसके अंदर मिलता है, यूनिसेलुलर जो फंगस होती है उनका, उनके पास, जो सुडो माइसिलियम फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बडिंग, ठीक है, प्रकाश रिप्रोडक्शन के जो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग सुडो माइसिलियम प्रोड्यूस करते हैं। और जो माइसिलियम मिलता है वो किस में मिलता है, द प्लांट बॉडी पार्ट मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाएगा, हाइपी, ठीक है। हाइपी के अंदर देखेंगे तो हाइपी के अंदर सेप्टा होने चाहिए, जैसे मान लो आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होगी, अगर एक ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब ये जो लाइन ऑफ सेप्टा नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, सेप्टेट। इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, तो ए सेप्टेट जो होता है वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, उनके अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा मिलेगा, ठीक है, लोअर फंगस मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइकोमाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर सेप्टेट देखेंगे तो क्या होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, हायर फंजाई है, एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडोमाइसिट्स इसका एग्जाम्पल है, क्लियर। फिर अगर इसके अंदर और देखना चाहेंगे तो ये दो फॉर्म के होते हैं, मतलब डायमॉर्फिक इन नेचर होता है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन इसकी देखी जाए तो डायमॉर्फिक इन नेचर होता है, ठीक है। कैसी होती है, डायमॉर्फिक। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर वॉल थैलस, मतलब माइसिलियम, कंप्लीट माइसिलिया अगर टेक पार्ट कर रहा है माइसिलियम, ठीक है, कंप्लीट माइसिलियम अगर रिप्रोडक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के रूप में रिप्रोडक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन टेक पार्ट कर रहा है तो उसको होलोकार्पिक, क्या बोलेंगे, होलोकार्पिक, कंप्लीट इंटायर, ठीक है, मतलब कंप्लीट या इंटायर माइसिलिया टेक पार्ट कर रहा है। अगर माइसिलिया का एक पार्ट, सिंगुलर पार्ट अगर टेक पार्ट कर रहा है रिप्रोडक्शन के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक, यूकार्पिक, क्या बोलेंगे, यूकार्पिक, ठीक है। और ये इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में आता है डायमॉर्फिक इन नेचर। फिर बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सेल वॉल, ठीक, किसकी बनी होती है,
चीटिन की बनी होती है, ठीक है, चीटिन की फॉर्मेशन की होती है, चीटिन मतलब चीटिन की लेयर फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C22H47 H54 N4 और ऑक्सीजन 21, ठीक है। ये चिटिन का मतलब मेड अप ऑफ द आउटरमोस्ट जो कवरिंग है किसकी बनी होती है, सेल वॉल की। अगर इसकी पॉलीमर यूनिट देखी जाए, मतलब पॉलीमर जो यूनिट है जिसकी रिपीटिंग यूनिट से बनी है, पॉलीमर यूनिट की अगर बात की जाए तो कौन सी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन, ये इसकी मतलब क्या होती है, पॉलीमर यूनिट होती है। अगर इसके अलावा और अगर सेलुलर मेडअप की बात करें तो क्या बने, सेलुलोज ग्लाइकोजन से बना होता है, सेलुलोज ग्लाइकोजन या फिर सेलुलोज चिटिन, ठीक है, जिसका आउटरमोस्ट जो कवरिंग है वो इनकी फॉर्मेशन होती है, मतलब सेलुलोज ग्लाइकोजन से या सेलुलोज चिटिन की, ठीक है। अगर सेल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो न्यूक्लियस इसके पास कंटेनिंग होता है, तो मतलब किस कैटेगरी में आएंगे, यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूकैरियोटिक है, इनके पास उसके बॉडी पार्ट्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, ठीक है, इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अगर डिक्टोसोम की बात करें, गोल्गी बॉडी की बात करें, तो डिक्टोसोम इनके पास कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिक्टोसोम आर ऑल्सो आर टिपिकल, ठीक है, ऑल्सो नॉट टिपिकल, ये कम प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट भी कम प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट लेक होता है इसके अंदर, कमी होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, नॉन फोटोसिंथेसिस या एक क्लोरोफिलस है, मतलब इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, एक क्लोरोफिलस है, इसी वजह से इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट टाइप, जैसे न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इनका कैसा है, तो एक क्लोरोफिल है ये, तो एक क्लोरोफिल मतलब सेंस ऑफ क्लोरोफिल, अगर सेंस ऑफ क्लोरोफिल है तो इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है तो फिर क्या मिलेंगे, ये हीटरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटरोट्रॉप्स इन नेचर होते हैं, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटरोट्रॉप्स के साथ साथ अगर देखा जाए तो सैप्रोफाइटिक इन नेचर भी होते हैं, मतलब डैडी के ऑर्गेनिज्म को हीटअप करते हैं, सैप्रोफाइटिक इन नेचर, ठीक है, सैप्रोफाइटिक नेचर के साथ साथ अगर देखा जाए तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, और सैप्रोफाइटिक के साथ साथ इनका जो पैरासाइटिक इन नेचर भी होता है, कैसा नेचर होता है, पैरासाइटिक इन नेचर, ठीक है, पैरासाइटिक नेचर मतलब फूड के लिए किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हो, स्पोरोफाइटिक डैडी के ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हो, और सिम्बायोटिक किसी के साथ मिलके मतलब फूड पे प्रेजेंट करते हो, जैसे लाइकेन के अंदर देखा जाता है कि एक पार्ट एल्गी का होता है और एक फंगस का होता है। अगर और एग्जांपल देखना चाहे तो माइक्रोराइजिया, लेग्यूमेसी फैमिली के अंदर देखा जाए माइक्रोराइजिया, ठीक है, माइक्रोराइजिया जो एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, ठीक है, माइक्रोराइजिया ये एग्जांपल है, मतलब किसके सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब जिस किसी के साथ मिलके मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं वो वाला नेचर, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बाद आता है रिप्रोडक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में।